कोलकाता की एक न्यूज तो आप देख ही रहोगे, पहले मैं उनकी मम्मी का एक बाइट मैं आप सभी को दिखा देती हूँ। नहीं, मेरी लड़की ने सुसाइड कर दिया है, ये खबर आई है। पेरेंट्स जिनकी बच्ची 31 इयर्स ओल्ड की ऐसी खत्म हो जाती है, उनको 3 घंटा खड़ा रखा और ये हाथ जोड़ती रही, माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ हमारी बच्ची का मुँह, एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया। और ये पापा डेड बॉडी ऑफ द गर्ल जिसके मुंह में खून था, फोटो खींच के लाके मुझे दिखाते हैं। शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया, एक पांव बेड के इस तरफ, एक पांव बेड के इस तरफ मिला गया। कोलकाता की न्यूज हर सोशल मीडिया पे आप सभी तक पहुंच चुका रहेगा कि डॉक्टर के साथ क्या हुआ है। आज अगर हमारे भारत की कानून सख्त होती ना, ऐसे जानवरों को कड़ी से कड़ी सजा अगर मिल जाती ना, तो ऐसा कोई भी माँ बहन बेटी के साथ नहीं होता जिस प्रकार से आज डॉक्टर के साथ हुआ है। धित है ऐसे प्रशासन की जो इतना सब कुछ देख के भी चुप है और उल्टा केस को दबाने में लगे हुए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हर एक चीज निकल चुका है, फिर भी सबूत को मिटाने में लगे हैं। 15 अगस्त में हमारी देश आज़ाद हुआ था, ऐसे आज़ाद हुआ था जो हर माँ बेटी बहन के ऊपर अत्याचार ही अत्याचार होगा। ये सब आज सत्य के रास्ते में जो कोई भी है ना, उसे सिर्फ तकलीफ मिला है। आज उनके मम्मी किस प्रकार से रो रहे हैं अपनी बेटी की जस्टिस के लिए, वो हर एक चीज़ बोल रहे हैं ना, सहम गई मैं जब देखी सोशल मीडिया पे। रास्ता चलते हैं हमें पता है, हम एक लड़की है किस तरीके से हम चलते हैं हमें पता है। एक समय सहमे हुए, एक डरे हुए इंसान जैसे, वो हॉस्टल में जगने वाला इंसान ही हैवानियत की हद पार कर देगा। उस इंसान को बचाने के लिए कौन है पीछे? प्रशासन अगर जान रहे हैं तो उसको तुरंत कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए और उसके साथ जो कोई भी मिला हुआ है उसको भी सजा मिले। पूरी भारत की वासी ये सब कुछ देख के सहम गए हैं। हमारे भारत सरकार को भी अनुरोध करूंगी कि उनको माफ़ी ना मिले, वो बेटी के परिवार को न्याय मिले। जितने लोग आज आस पकड़ के बैठे हैं कि न्याय मिलेगी, हमारे भारत कहाँ से आज़ाद हो गई है, कहाँ आज़ाद हो गई है? 15 अगस्त में इतना बड़ा हादसा से गुजर रहे हैं, वो एक लड़की के साथ हुआ है। नहीं, हर एक लड़की के दिल में एक चीज़ बैठ गया कि कोई भी इंसान यहाँ पे, कोई भी बेटी यहाँ पे सेफ नहीं है। सिर्फ भगवान के मंदिर में जाके माँ देवी माँ बोल के पूजने वाले इंसान देवी जैसे मानते हैं हर एक बेटी को, हर एक लड़की को, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? मैं जस्टिस मांगती हूँ कि ये बेटी को न्याय मिले, उनके परिवार को न्याय मिले। और पूरे जितने भी जनता देख रहे हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और आप सब भी न्याय के लिए लड़ो, क्योंकि न्याय के लिए लड़ना हमारा हक और हमारे अधिकार है। हमारे भारत में सख्त कानून ऐसे गंदे इंसान लोगों के लिए होना बहुत ज़रूरी है और ऐसे गंदे इंसान को जैसे पकड़ के वहाँ पे ही ठोकना चाहिए। उनके लिए कानून ये नॉर्मल सी बना जो दिए हैं ना, सालों साल कोई बेटी के साथ रेप हो और 14 साल 15 साल केस लड़ते रहे परिवार, फिर उनको न्याय मिले, ये कहाँ का न्याय है?